बेबी बताओ भाई हैं। बताओ, क्या सवाल है, बोलिए ना। नहीं भैया, जैसे कि हम एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, तो उसी से रिलेटेड आपसे कुछ पूछना था। जैसे हम लोग का, जैसे मैं रेलवे में हूँ, तो अब जैसे हम लोग के यहाँ प्रोटेस्ट चल रहा है, प्रोटेस्ट क्या कहेंगे, एक तरीके से हम लोग आंदोलन ही के तौर पे ले रहे हैं कि पुरानी पेंशन बहाली के लिए, उसके बारे में बस मैं आपसे जानना चाह रहा था कि आप लोग को इसके बारे में कुछ पता है क्या, या आप लोग का कोई स्टैंड हो इस बारे में। नहीं देखो, मेरे को आइडिया नहीं है, लेकिन आप क्या ओल्ड पेंशन की मांग कर रहे हो क्या? जी, ओपीएस की। हाँ तो सही है ना यार, ओपीएस तो जरूरी भी है। मैं मतलब मेरे घर में कोई सरकारी एम्प्लॉय नहीं है, लेकिन मैं जानता हूँ कि ओपीएस जरूरी है। अब जब फ्री में इतना पैसा बांट ही रहे हो भाई, हर किसी को दे ही रहे हो वोट के नाम पे, जी 1,000, 5,000, 10,000, तो ओल्ड पेंशन योजना भी होनी चाहिए, बिल्कुल होनी हाँ चाहिए। वही ना। और दूसरी बात ये भी है कि अब जैसे कि भैया वो अभी 7वां पे कमीशन लागू हुए बहुत टाइम हो गया है, और जिस हिसाब से महंगाई बढ़ते जा रही है उस हिसाब से इन लोगों को 8वें पे कमीशन पे भी चर्चा करनी चाहिए, पर ये भी अभी कुछ नहीं हो रहा है। एक नॉर्मल जैसे फोर्थ क्लास एम्प्लॉय अब क्या करे, छोटा सा इनकम आएगा उसमें घर चलाएगी, वो अपनी बीवी का इलाज नहीं, करा। मैं समझता हूँ। देखो, मेरे पूरे परिवार में जितने लोगों से मैं अटैच हूँ, कोई सरकारी नौकरी में नहीं है, सब अपना प्राइवेट ही कर रहे हैं, कोई वकालत कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय अगर वो भ्रष्टाचार नहीं कर रहा, रिश्वत नहीं खा रहा, अच्छे डिपार्टमेंट में नहीं बैठा, दारू नहीं वारू पानी भैया में, तो देखिए, उसके लिए भ्रष्टाचार सर्वाइव। बस, अब भ्रष्टाचार की बात करें तो वो बस वही लेवल के अधिकारी सब कर सकते हैं, या एम्प्लॉय वही देखो, कर मैं सकते आपको हैं। बताऊं, जैसे रजिस्ट्रार विभाग हो गया, जी कलारी वाइन शॉप का विभाग हो गया आपका, आबकारी, और आपका ये संसाधन विभाग होगा, इनमें होता है भ्रष्टाचार, बहुत होता है, इनमें पैसा कमाया जाता है। लेकिन बहुत सारे ऐसे विभाग, जैसे टीचिंग विभाग हो गया, इन सब में तो पैसा है ही नहीं। जैसे भैया मैं रेलवे में हूँ तो इस चक्कर में बस पूछ रहा था, क्योंकि हम अब लोग रेलवे में का क्या टीसी हो क्या? नहीं भैया, हम टीसी नहीं है, हम अभी जैसे मेरे फादर थे तो उनके मतलब कि अचानक मृत्यु हो अनुकंपा जाने नुक्ति। उसमें मुझे जॉब ऑफर किया गया था। इसका सिस्टम ही बड़ा खराब है। जब मुझे जॉब ऑफर के लिए मिला था तो मैं उस समय 10th पास था, अब जब मेरा जॉब हुआ समझ तो मैं 12th पास हो गया, लेकिन ये सब ये रहा सिस्टम बैठा है कि वो मेरा मार्कशीट 12th वाला लगा ही नहीं, बोले 10th पे ही नौकरी करो। नहीं, नहीं होता है, ये होता बहुत लोगों के साथ देखा। नहीं ठीक है, अब तो भाई भगवान करे आप आगे बढ़ो खूब, और सरकारी नौकरी वालों के साथ जो कम भ्रष्टाचार नहीं कर रहे हैं, उनकी हालत खराब है, मैं भी समझता हूँ। जी, और ये एक रैंडम लिमिटेड सैलरी में भैया भी सरवाइव आपके करना साथ है, इम्पॉसिबल है। अब एज तो हमको नहीं पता, भैया बोले कि भाई बोले, वो उनको भी मैं ये कहना चाहूंगा, भैया हम भी आपको बहुत सपोर्ट करते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं करते, बस काम के चक्कर में जो आप बोलते हैं रिट्वीट नहीं कर पाते, ये नहीं कर पाते, बहुत लोगों बोलते हैं हम नहीं कर पाते, हम मानते हैं गलती है हम लोग की, लेकिन सपोर्ट आपको भी पूरा फुल है। बोलो रैंडम, तुम्हें बोल रहा भाई वो। नहीं, मुझे तुम्हारे टेक चाहिए अब दो तीन चीजों पे। माइक खोलो अपना। देख ले लो। रैंडम रैंडम भाई, आपसे मुझे एक क्वेश्चन का आंसर चाहिए। ओके, जो आजकल मूवी, मतलब जैसे जो भी है मूवी प्रमोट कर रहा है या फिर जो भी कर रहा है, उससे जितना भी रेवेन्यू आएगा उसका कुछ परसेंटेज राम मंदिर को दे रहा है, वो सही है कि नहीं है? मतलब अगर वो, मतलब अगर वो प्रमोट भी कर रहा है तो मुझे लग रहा है वो सही है। सब कुछ सही है भाई। क्या हुआ भाई, कोई नहीं, कुछ दे दिया क्या तुम्हें उल्टा सीधा? जिंदगी से हार गए। देखो मैं, आप गाइस कितने लोग हैं अभी स्पेस में? तकरीबन तकरीबन, एक सेकंड में दिख नहीं रहा, कितने लोग हैं स्पेस 1,000 में? तो 1,000 लोगों के बीच सर्वसम्मति से मैं एक घोषणा करना चाहता हूँ। घोषणा नहीं, एक्चुअली एक बहुत डार्क सीक्रेट है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। हमारे आदरणीय रैंडम भाई जल्दी एक यात्रा शुरू करने वाले हैं, ठीक है? और रैंडम भाई बहुत परेशान हो गए हैं, क्योंकि एज अ हिंदू उन्हें कुछ मिला नहीं है। तो अभी कॉल पर उन्होंने इस बात की चर्चा की, एंड अगर आप लोग चाहें तो उन्हें समझा सकते हैं कि ये कन्वर्ट ना हो, लेकिन बाकी इनकी जो इच्छा, भगवान ज़्यादा भला जाने। क्यों रैंडम भाई? सम्राट शांत बन भाई, रहे, शांत बन रहे क्या? सम्राट भाई गांड में दम है तो नाम लेके बोलो ना। नहीं है भाई घंट में तो, ठीक नाम लेके बोला करो है, भाई। नहीं है, हम तो एक्सेप्ट कर लिए, नहीं है, आगे बताओ। नहीं आप है, सीधी तो स्वागत भी करने बात वाले थे, क्या हुआ? नहीं, बिल्कुल
अरे यार चलो गाइस, मैं आप लोगों से पूछता हूँ, जेन्युइनली पूछता हूँ। मैं कैसे पूछूं, अभी एक भाई की वीडियो, जुबेर भाई बहुत ज्यादा ट्वीट कर रहे हैं, एक शहजाद पूनावाला करके भाई है, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है वो। वो आज से 4 साल पहले, 5 साल पहले मोदी को पता नहीं क्या क्या बोला करते थे, सनातन को भी लेके बहुत कुछ बोला। नाउ उनको हर तरीके की अचीव, हर तरीके की वो मिलती है, मतलब इस तरीके की उन्हें महाकाल मंदिर में भी VIP दर्शन कराए जाते हैं, जबकि रणना भाई को भीड़ में से धक्का देके भगा दिया जाता है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये गलत है कि नहीं? मतलब जो आदमी अपने धर्म का नहीं हो रहा, तुम्हारे धर्म का हो जाएगा क्या? बहुत अरे सम्राट जबरदस्त। भाई, उसका उस दिन मैंने नाम लिया था तो आप बोल रहे थे ज्यादा इंटेलिजेंट हो गया, नाम नहीं लेना चाहिए। नहीं तो मैंने आज ले दिया ना भाई, जुबेर की वो चाहिए थी ना मुझे, वो यही उसका तो। अभी कौन बोला, कौन बोल रहा है ये? मैं निखिल, यही तो दोगला ये सम्राट की। बताओ, तुम एक कॉमन आदमी हो तो तुमको चुप करा दिया, भड़वा अभी खुद बोल रहा है। यही यही दिक्कत है, इसी समाज से हमें दिक्कत है निखिल। तुम तो अभी तक बचे हुए हो, झारखंड में अरेस्ट नहीं हुए ये साले। हिंदू है भाई, सामने भाइयों का 1-1 लाख 1.5 लाख का नुकसान करवा देते हैं। ये पता नहीं कौन कौन सी लड़कियों को जाके 2.5-2.5 लाख रुपए दे आते हैं। भाई अरे बहन मत को भरोसा नहीं बोलो, होता, मत सम्राट भाई बहन को भरोसा नहीं होता। मत बोलो भाई, यार प्लीज मत करो ये सब। नहीं, तो सही है ना, अपने भाई पे भरोसा नहीं है इन्हें, इन्हें दूसरों पे 2.5 लाख भरोसा मेरा है। बाप छोड़ के गया था ना पैसा, 2.5 लाख रुपए हम दे दिए किसी को, नहीं मेरा बाप दिया था बाप नहीं दिया भाई। वो क्या नाम है ये, हाँ अरे क्या नाम है आपका दोस्त, नहीं आया स्पेस में? जितेश को कौन? बुलाए, जितेश को। नहीं, जितेश भाई, नहीं जितेश भाई के भैया उस दिन यार, लेकिन पता है गजब का बजाज सर्जिकल स्ट्राइक बुला हुआ लो नीरज को था। भाई। अरे उसका क्या बोले, उसका माँ बांग्लादेश भी गई थी क्या, निमो का उन बांग्लादेशी बुला रहा था हम लोग को, किसी को ऊपर ही नहीं ले रहा, गांड फट रहा है, एक बाप को फिर बुला रहे भाई ऊपर। इतना एक्सपोज हुआ है, पहले तो जब उसने गाली बकवाना शुरू किया, फिर उसके बाद वो जो बी सिंह नहीं था, जो जिसको मैं बहुत थोड़ा रिस्पेक्ट कर रहा था, अब मैं उसको, अभी आपको डीएम का स्क्रीनशॉट भेज दूंगा, मैं उसे 30 बार मैसेज कर चुका भाई कि कहाँ है भाई रायसेन में, आ जा मिल ले, अभी तक उसका रिप्लाई नहीं आया। ठीक है, और वो व्यक्ति को बार बार वो ऐसे पोर्ट्रे कर रहा था नीरव, कि इनके ऊपर कुछ भी होके SC ST एक्ट लगे करके। ठीक है, मतलब सब जानते हैं कि मैंने उसको गाली दी है, DP पे लगे, मतलब वो जो भी था, खैर ठीक है, मैं उसकी सफाई भी नहीं दूंगा, लेकिन जेनुअनली वो ऐसी बातों को घुमाता है ना, इसे रैंडम के पीछे वो एक पॉइंट पर पड़ गया कि जमीन बढ़ाया धर्म। अब वो पता कहाँ लेके जाता है इस चीज को, कि जब जमीन धर्म बढ़ाया तो अपनी जमीन बेच के गब्बर के ऊपर केस कर दो, नहीं करना हमें, हमें तेरे ऊपर केस करना है। अब वो मान तो लो बोला था ना, इंसान वो तो वही चीज जब बात नहीं, कर रहा था अब बेचारा। तुझे, हाँ वही बात है ना, तुझे अरे जब तो तेरे बोला पास, तो सुनिए तो, वो बोला तो हम लोग बोले नहीं कि हाँ उसका करे ना करे माधुरी तेरी तो बात तेरा सुन जरूर कर देंगे, देंगे। तेरे को 3 दिन में अरेस्ट करवा देंगे बड़ में, इतना औकात रखते हैं। अच्छा, तू जुबेर को 1-1 हजार रुपए डोनेट कर सकता है, तो हमको भी कर दे भाई 10 हजार, आना जाना है अरे आज। सुनिए ना सम्राट भाई, आप जो जब आप लोग स्पेस से चले गए ना, तब उसका स्पेस में एक बंदा आया इंटेलेक्चुअल, वो क्या बोल रहा जानते हैं? सम्राट कैसे, क्या स्कूल स्कूल क्या चलाता है, वो तो 24 घंटा ट्विटर में रहता है, तो बोले स्कूल में वो पढ़ाता है, जाकर वहाँ का फंडिंग करता है, दिमाग उमाग है नहीं उसका ऑडियंस का, उसको लगता है आप जाकर पढ़ाते हैं, टीचर है आप। तो इसके हिसाब से अगर हम फूड ड्राइव कर रहे हैं, तो मुझे खुद बात खाना यहाँ पकाना पे चाहिए। ऐसा हो गया कि जितेश का स्पेस चला, आप जितेश हमारे उस पे आता था ठीक है, तो जितेश का स्पेस था तो हमको दिखा, पता नहीं कोई इसमें था तो मेरे उसमें सामने पे आ गया तो हम घुस गए। अब वो बेचारा नीरव मोदी गलती से हमको वो भेज दिया स्पीकर रिक्वेस्ट, हम स्पीकर बन गए, फिर आप आ गए। अब वो भड़वा जो जो अपने स्पेस में म्यूट कर करके बकचोदी करता था, अब वो पकड़ा गया। अब सब अरे तो रेंडम भैया आप नहीं जाते ना, वो भी बोलता जो रेंडम के स्पीकर दिए थे नहीं आया था, घुस के गांड मारे बहुत अच्छा किए। सम्राट भाई भाई, कोई नीचे रेडिट बैटमैन करके है, उसको लेना माइक पे, मतलब वो बात करनी चाह रहा है, कुछ एंटी हिंदू चीजें हो रही हैं कहीं की, बतानी बात बोलना चाह रहा है वो। अरे यार एंटी हिंदू क्या भाई, आजकल तो कटारिया एफसी भाई, कटारिया का भी एफसी है क्या? हाँ भाई कब से है। अरे यार उस सुनी के गाली दे। भाई कौन गाने बजा रहा है भाई, एक से क्या एक नाम बताए थे तुम भाई? अरे बैटमैन, ढंग से नाम बैटमैन रखा करो यार, जरा ये भाई बैठ। वो अरे इंडियन मैसेज बनो कर रहा क्या, है कुछ डीएम में, करो ना लगातार मैसेज कर रहा है, तो इसको ले लो, पता नहीं क्या रैंडम बताने भाई, वाला है, कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक है। रैंडम भाई वो इंस्टाग्राम वालों का कुछ करो,
भाई इसको बुलाओ या टॉक्स भाई, इसको हर चीज रिकॉर्ड करके डालता है भाई इसको। कौन से इंस्टाग्राम इंस्टा? भाई, इंस्टाग्राम पे बहुत सारे ऐसे आईडी है, जैसे हमारा हिंदू देवी देवों का मतलब गलत इस्तेमाल करते हैं। मैंने भी आपको टैग किया था एक। भाई तुम उड़ीसा से हो क्या भाई? हाँ भाई, तुम ये कौन सी पार्टी के वाइस प्रेसिडेंट हो? बीजेडी बीसीजेडी। ये मतलब वो बीजू पटनायक जी की पार्टी है क्या? भाई हाँ भाई, तुम्हारी चलती होगी फिर तो उड़ीसा में। हाँ तो भाई हम आए ना, दर्शन करा देना अच्छे, ठीक हाँ भाई, आ जाओ। है? नहीं भाई जेन्युइन बात है ना, वहां भाजपा की नहीं चलती इतनी, नहीं उनकी पार्टी भोसड़ी का। के हमको बोले कि हमको भीड़ में देखे, हमको बजाबते वहां का प्रेसिडेंट बुला के बैठा के दर्शन करवाया फोटो था। दिखाओ भाई, हम कैसे माने? हम आपकी तरह इंटरनेट हिंदू नहीं है कि फोटो खिंचवाए हम, ठीक हम है। है बहन को हम तो हर पता है सम्राट, हम तो सोच रहे हैं कि उसको कॉल करके गरियाते हैं कि जो चुतियापा मचाए हुए, पता है उसे महाकाल लोग के उस पे को अल बल एक्टर एक्ट्रेस का फोटो डाल रहा है कि आज इन्होंने दर्शन किया, आज उन्होंने दर्शन किया। एहसान क्या कर दिया है भगवान वही वही क्या कर रहे हो भाई, पे। महादेव का फोटो डालो, ये सब क्या बकचोदी कर रहे अरे हो। रैंडम भैया मैं बताता हूँ, उसका मतलब ये है कि मैंने उतना उतना सेलिब्रिटी को दर्शन करवाया, उससे मेरा पहचान, उसका मतलब वही है। तुमको भी दर्शन करवा देंगे एक दिन। मुझे नहीं करना, मैं करके चलाता हूँ जहां करने होते। को टॉक वाइज भाई, डॉलर उलर बना कि नहीं टॉक वाइज भाई तगड़ा आदमी है भाई, ये पूरी रिकॉर्डिंग डाल भाई, देता है भाई। स्पेस खत्म होने से पहले यूट्यूब पर रिकॉर्डिंग दिख जाती है। हाँ, वो रैंडम सेना वर्सेस मैक्सटर्न सर्च करो यूट्यूब पे। अरे कम से कम 25 चैनलों पर रिकॉर्डिंग है। अरे यार, उस दिन आप बोल रहे थे तुम्हें बैठ कर गलत नीचे है, बैठा रैंडम हो काय को कह रहे हो तुम, नाइकी का जूता, ये सब कितनी बदतमीजी की भाषा है भाई। क्या नहीं गया। अरे वो मेरा भाई है यार मैक्सन। अरे तो लेकिन भाई ना से ऐसी ऐसी बातें मैक्स करते हो भाई, हमारे यहाँ ऐसे ही बात होता है, ठीक है। फेक फिकम माया मत मतलब क्या लगाते। इंडिया के बाहर से रहते हो क्या भाई? तो माया पता, ऑस्ट्रेलिया में रह रहे हो अभी भाई, प्रशांत भाई के घर अलग टीवी चल रही है पता, रात में ये कौन है भाई प्रशांत? मेरे यार। अरे ये सुन आवाज नहीं आ रही पीछे से। भाई उसको क्या, चल भाई तुम्हारी उम्र कितनी है प्रशांत भाई? प्रशांत भाई बीवी मारती अरे कि नहीं है क्या? 18 है, 18 है मेरी भाई। अच्छा 18 है तो हाँ तुम्हें क्या भाई। जरूरत है भाई स्पीकर की? ये तो कपल्स के लिए रहता है स्पीकर चला के, और ऐसे गाने में तो मूड खराब हो जाए भाई, अच्छे बजाओ मैं नहीं यार, चला रहा, भैया चला लफजा रहे गले। हैं। अच्छा रैंडम भाई, मालदीव्स पे ओपिनियन क्या है जिसपे हैशटैग लगा रखा है अपन ने? अरे माल भाई, तो सिन्हा विन्हा ने माँ चोद दिया बहनचोदी मालदीव वालों का। देखिए अब बहुत गंदा पहला आईटी सेल ने। आईटी सेल तुम्हारे मतलब सेना आईटी सेल है ना? सिन्हा नहीं, हाँ सिन्हा, सिन्हा भाई तो है अपने शायद आईटी सेल के। इसमें कौन से क्या, हमको तो एक ये नहीं समझ में आता है भाई कि जो आईटी सेल से उनको बोलने में कैसी शर्म है कि हम आईटी सेल से हैं। भाई हमको अगर बीजेपी पैसा दे रहा होता, हम आईटी सेल से होता, हम चौड़ में लिखते कि भाई हाँ तो ये आईटी पैसा नहीं सेल दे का रहा ना अकाउंट वो, है, हम बीजेपी के सारे कामों को डिफेंड करेंगे, अच्छा बताएंगे, इसमें गलत क्या है। तो कौन सी शर्म की बात है बहन चोद। दिक्कत तो भाई ये तो है कि यहाँ पे तुम्हें आईटी सेल तो ये एक्सेप्ट नहीं करते हैं कि हम आईटी सेल से हैं। तुम्हें एमपी का काम तो मिलता रहता है, तुम फिर क्यों नहीं डिफेंड करते एमपी गवर्नमेंट को? डेली 25,000 50,000 में ट्विटर ट्रेंड करवाने वाले भी ये बकचोदी पहले भोसड़ी के एक्सपोज करना शुरू करेंगे ना। पता है भाइयों, ये सम्राट जो है डेली ट्रेंड करवाता है पैसा ले लेके अलार बलार। इसके ट्विटर पे जाओ, जो भी हैशटैग देखोगे सब वो पेड ट्वीट ही रहता है, पेड ट्रेंड रहता है। सामने वाली पब्लिक से 50,000 1 लाख रुपया उठाता है और ट्रेंड करवाता है 1 घंटे के लिए एक बॉट दिन मैंने अकाउंट्स कराया था भाई बहुत तगड़ा ट्रेंड, पता को, और एक दिन कराया तो। है क्या था ट्रेंड? क्या था? यूके वाला है क्या? नहीं, हरे नोट गुलाबी ऑस्ट्रेलिया गोल्ड, वाला हरे भाई, नोट गुलाबी पेमेंट गोल्ड। रुक जाएगा मत बोल। लेकिन उस दिन सही में हुआ था, देख रहे थे जितना बीजेपी आईटी सेल वाले सब ट्वीट किए हुए हैं। सम्राट मैं किसको खुद ले नहीं लिया? करता, मैं खुद नहीं करता भाई ट्वीट कभी, तो ट्रोल मेरा पाकिस्तान है, काम ट्रोल पाकिस्तान, वो बड़ा सम्राट गजब पेमेंट पेट। रुकवा देगा ये बड़वा। नहीं तो मैं खुद करता ही नहीं हूँ भाई, और मेरा काम मेरा नेटवर्क ही अलग है भाई, वो जिनके मैं ट्रेंड कराता हूँ उन्हें कभी सुना ही नहीं होगा नाम, जिनके मैं कराता हूँ।
जिनका जेन्युइन हो जाता है उसका पेड ट्रेंड करवाने की क्या जरूरत है, जिसका जेन्युइन हो जाता है। नहीं, देखो जैसे बहुत सारे अजीब अजीब होते हैं, एक मैंने कराया था पहले हरे नोट पीले वोट ऐसा कुछ करके ट्रेंड था वो, ठीक है, हरे नोट या गुलाबी वोट पता नहीं कुछ ऐसा था। अब उस ट्रेंड में तुम क्यों पार्ट लोगे भाई, या तो फिर मैं वैसी आईडी बना लूं भाई, जो जो राष्ट्रवादी भाई मेरे साथ खड़े हुए हैं मोदी जी के समर्थक हैं ट्वीट करें तो हो जाएगा, ठीक है, अदरवाइज तो मुश्किल है कि ऐसा ट्रेंड हो पाए। अच्छा रैंडम भाई, आते नीरव भाई को बुलाएंगे ना यार। अरे यार नीरव भाई की अब मैं क्या बोलूँ, वो ऐसा बेशरम इंसान है, वो अपने स्पेस में कभी नहीं आएगा, भले अपन उसे को होस्ट भी दे दें या दे देंगे, वो बुलाएगा अपने में ही। और वो उसे इतना मजा आ रहा था, इतनी सेटिस्फेक्शन मिल रही होगी ना, जब वो किंग गाली दे रहा था इस पे अपन असर आए थे वाइब्रेटर पे, ठीक है। बोले रहे थे इसकी मम्मी जो वाइब्रेटर यूज करती है यहाँ छोड़ दी। वो तो गजब है। रैंडम तेरी औकात क्या है? ओ रैंडम ओ चुप रहे रैंडम तेरी औकात। अरे भाई इतना क्रिंज लग रहा था ना भाई उस दिन, इतना क्रिंज लग रहा था वो, और उससे लग रहा बहुत एकदम डैंक हो गया बाबा, अब तो बोले हमारा करियर ही खत्म हो गया भाई। ओए रैंडम ओ तू चुप रहे रे ओ चुप रहे ओ तू एल्विश का। अरे हाँ भाई रोस्ट कर दिया भाई। और वो तो बांग्लादेश से एक पाकिस्तान से बाप बुला रहा था एक एक करके। अरे नीरव भाई को लगता है कि वही एक डैडी है। नीरव भाई रात में 3:30 बजे तक गाली खाए हमसे, और 4 बजे ट्वीट डाल रहा है कि ट्रक वालों के साथ घूम रहा हूँ। उस दिन रैंडम 3:30-4 तक हमने गालियां बकी उसको, उस पर स्पेस में 4 बजे भाई वहां भी निकल गए ट्रक वालों से मिलने। यार एक से एक है। नहीं नीरव भाई अगर आपके अभी भी इच्छा है आप आजाओ कोर्स दे देंगे। सुनो अरे नहीं सम्राट भाई मैं बेटर बताता हूँ क्या हुआ होगा। वो हम आप लोग से बात कर रहा था ना, तो ज्ञान भटक गया होगा, पेड पेड ट्वीट आया होगा, समझ में आया, वो इग्नोर कर दिया उसको, गांड में 4 लात दिया, बोला जल्दी।